नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 2 अक्टूबर 2019 और मार्केट बंद है, गांधी जयंती है तो उसके अवसर पर मार्केट बंद है। लेकिन यहां पर हम लोग एक अपना स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे, जो स्टॉक्स मैंने आपको पोजिशनल कॉल के लिए दिया हुआ था, जिसका नाम आपके सामने दिख रहा है, अजंता फार्मा का। तो इसको हम लोग, मैंने जो रिकमेंड किया था उस दिन का वीडियो भी आपको दिखाता हूँ कि कब मैंने रिकमेंड किया था, किस प्राइस पे रिकमेंड किया था, बाय लेवल क्या था, सेल लेवल क्या था, स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था, और आगे हमारा इसमें क्या पोजीशन बन सकता है। एक बार इसका हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, अजंता फार्मा का। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आपको जाऊंगा, जहां पे मैंने वीडियो डाला था और कब डाला था ये भी दिखा देता हूँ। तो अब मेरे चैनल पे मैंने आपको लेके आ गया हूँ मैं, और यहाँ थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको देखिए स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग अजंता फार्मा का स्टॉक्स, यहाँ एनालिसिस मैंने 3 दिन पहले यानी कि संडे के दिन मैंने दिया हुआ था। ठीक है, संडे के दिन मैंने रिकमेंड किया था कि अगर मंडे को ये इस लेवल पे निकलता है, जो लेवल मैंने रिकमेंड किया था, तो उस लेवल पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल का लेवल भी दिया था और बाय का लेवल भी दिया था। बाय का लेवल मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि बाय का लेवल मैंने किस प्राइस पे दिया था। बाय को मैंने बोला था कि अगर ये 1100 के ऊपर निकलेगा तो बाय पोजीशन बनाएंगे, पर ये 1100 के ऊपर दोस्तों कल निकला, मंडे से भी नहीं निकला, गया ही नहीं है, 1100 के ऊपर टच भी नहीं किया है, तो हमारा इसमें बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट एक्चुअली हुआ नहीं, तो बाय ऑर्डर की तरफ गए नहीं हम लोग। लेकिन इसी के अपोजिट मैंने सेल का भी लेवल दिया हुआ था, और सेल का जो लेवल यहाँ पे क्लियर, आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो क्लियर आपको वहां पे दिख जाएगा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा था और वो अभी तक लिखा हुआ है इस पर। सेल मैंने 1015 के नीचे सेल का पोजीशन बनाने के लिए बोला था कि 1015 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा, और इसका जो पोजिशनल टारगेट, फाइनल टारगेट होगा वो 950 का होगा, और पहला टारगेट 980 का होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1015 के नीचे मंडे के दिन ये निकलता है। ठीक है, मंडे के दिन 30 तारीख, मंडे ही था ना, 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर, 30 सितंबर आपका मंडे था, जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो 30 सितंबर को ये निकला यहाँ से, ठीक है, ये 30 को निकलता है, 30 को निकलने के बाद इसने 1015 के नीचे आया, और उसके बाद कल यानी कि मंगलवार को इसने क्या किया, यानी 1 तारीख को क्या किया, इसने हमारा फाइनल टारगेट 980 का जो था, सॉरी फर्स्ट टारगेट 980 का जो था, आप यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट 1980 का है, क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं, तो 980 का इसने लो लगा दिया, 980 का इसने लो लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, इसने जो लो लगाया है 980 का है, देखिए आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, लो प्राइस 980 है ना, यानी एक टारगेट इसने कल डन कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक्स मैंने अजंता फार्मा सेल साइड के लिए दिया था, वन टारगेट इसने डन कर दिया, और दूसरा टारगेट 950 है, यानी कि 950 रुपये, और 950 के पास हम लोग एक लाइन पहले लगा देते हैं और फिर देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बनती है 950 के पास आने के लिए, क्या पोजीशन आएगा या नहीं आएगा, या आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि 980 को इसने ब्रेक किया, इक्वल एक 980 को टच किया है ना, 980 एकदम इक्वल, एकदम 980 नाइन यानी कि 980 का एक टारगेट, प्योर एक 980 का टारगेट इसने अचीव करके दिया। अब ये आपको यहाँ पर 70% कम से कम आपका यहाँ पे बनता है नियम कि यहाँ पे 70% आपको फर्स्ट टारगेट के पास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपने मान लेते हैं 100 क्वांटिटी लिया, ज्यादा नहीं 100 क्वांटिटी लिया, 70 क्वांटिटी का प्रॉफिट आपको वहाँ पे एनी हाउ बुक करने का रूल होता है ये, अगर आप उसको बुक करके चलते तो आप एनी टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। अब आगे इसमें हमारे लिए क्या पोजिशन बनेगा कि अगर ये लो के नीचे निकलता है, 980 के नीचे अगर निकलता है, तो हमारे पास 950 का टारगेट अचीव हो जाएगा, और ये सेम डे भी अचीव हो सकता है, जिस दिन 980 के नीचे निकलेगा आप देखेंगे कि 950 का टारगेट आपको सेम डे ये वाला टारगेट आपको अचीव करके दे सकता है, 980 का टारगेट, लेकिन कंडीशन है 950 का टारगेट, सॉरी सेम डे टारगेट आपको अचीव 950 का करके फाइनल टारगेट दे सकता है, लेकिन कंडीशन है इसको 980 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। अगर ये 980 के नीचे नहीं निकलता है, अगर ये 980 के नीचे नहीं निकलता है, तो आपको दोस्तों प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपको अपडेट कर दूं कि एक प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुकिंग बनता है, आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक जरूर करें, 70% तो जरूर करें क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुक, अब बाकी का आप ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस ला के रख दें। ब्रेक इवन देखने जिस प्राइस पे आपने पोजीशन बनाया हुआ है, उस प्राइस पे आपने यानी 1015 के नीचे मैंने पोजीशन दिया था ना, तो 1015 के पास आप 30% का क्वांटिटी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये हुआ एक स्टॉक का दोस्तों रिव्यू। एक और स्टॉक दिया था, अगर याद करेंगे तो
तो मैं वापस से अपने चैनल पे लेके आता हूँ। एक स्टॉक और मैंने दिया था मन्नापुरम फाइनेंस का, ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस का। अब इसका भी रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस को, तो मैं यहाँ पे पहले मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट ओपन करूंगा। या मन्नापुरम फाइनेंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, जब आप लोग वीडियो खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने आप लोगों के सामने लिखा था। बाय दिया था मैंने 145 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाने के लिए मंडे के दिन, ठीक है। लेकिन ये 145 के ऊपर गया ही नहीं, तो हमारा इसमें ट्रिगर नहीं हो पाया। लेवल अब भी एक्टिवेट, लेवल अब भी ओपन है, हमारा प्राइस अब भी ओपन है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि जब भी ये 145 के ऊपर जाएगा तभी पोजिशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस सारा मेंटेन है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने अजंता फार्मा को मैंने देखा कि एक टारगेट अचीव है, आपको मैं बता दूं और इसमें क्या करना चाहिए इसका मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। तो 70% क्वांटिटी जरूर बुक करिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कल जरूर कर लीजिएगा, बाकी 30% का स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।